जय गुरुदेव। अब हम बैकवर्ड बेंडिंग आसनास करेंगे। आराम से बैठ जाएं सुखासन में, कमर सीधी, कंधे आराम दे कंधों को, गर्दन सीधी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और छोड़ें। शुरुआत करते हैं भू नमन आसना से, स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज। अपने पैरों को अपने शरीर के आगे फैला लें, अपने हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखें। अपने दाएं हाथ को अपने शरीर के पीछे रखें, उंगलियां पीछे की ओर रहेंगी, और अपने बाएं हाथ को अपने दाएं जंघा के बगल में रखें और अपने राइट साइड ट्विस्ट हो। और कोशिश करें अपने सर को जमीन पर लगाने के। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सांस लेते हुए ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए। यही आसना हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं जंघा के बगल में रखें और बाएं हाथ को शरीर के पीछे, उंगलियां पीछे की ओर, और सांस लें और छोड़ते हुए अपने बाएं ओर मुड़े और अपने सर को ज़मीन पर लगाएं। हो सके तो अपने दोनों हिप्स को ज़मीन पर बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। अपने स्पाइन में हो रहे ट्विस्ट को महसूस करेंगे। सांस लें और ऊपर आ जाएं वापस। ये आसना को के हम 5 से 6 राउंड दोनों साइड करेंगे। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्पाइन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन जिसके स्पाइनल मसल्स में थोड़ा दर्द हो या थोड़ी पीठ में और कमर में दर्द हो, वो इस आसना को ना करें। दूसरा आसना हम करेंगे वक्रासन। अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे फैलाएं, एक साथ रखें। बाएं पैर को ज़मीन पर रहने दें और दाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ें और बाएं जंघा के पास रखें। अपने बाएं हाथ को उठाएं और अपने दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए अपने दाएं पंजे को पकड़ें। दाया हाथ पीछे की ओर रहेगा, उंगलियां पीछे की करेंगे, दाहिने ओर मुड़ेंगे, कमर में एक स्ट्रेच फील करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, आंखें बंद भी कर सकते हैं। लंबी और गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 से 6 सेकंड तक इस आसना में रुकेंगे, फिर अपने हाथ को उठा के विश्राम देंगे और पैर को भी विश्राम देंगे। यही आसना अब हम ऑपोजिट, दाया पैर ज़मीन पर रहे, ध्यान रहे वो ज़मीन पर। बाएं पैर को घुटने से मुड़ेंगे और बाएं पैर को अपने दाएं जंघा के पास रखेंगे। बाया हाथ पीछे की ओर रहेगा, उंगलियां पीछे की ओर। दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं घुटने को क्रॉस करते हुए अपने और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे बाएं तरफ से। आंखें बंद कर सकते हैं और लंबी और गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने स्पाइन में हो रहे ट्विस्ट को महसूस करें और अपना ध्यान वहीं बनाए रखें। सांस लें, अपने हाथ को विश्राम दें और अपने पैर को विश्राम दें और आराम से बैठ जाएं। अगला आसन हम करेंगे गोमुख आसन, काओ पोज। आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अपने दाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ेंगे और अपने बाएं पैर की घुटने पे सीधा रखेंगे। अपने आपकी दोनों एड़ियां आपके दोनों नितंब के पास छू रही हों, ध्यान रहे दोनों पैर ज़मीन पर हों पूरे। अपने हाथों को उठाएं और सीधे हाथ को पीछे की ओर ऊपर से ले जाएं और बाएं हाथ को नीचे की ओर पीछे ले जाएं और दोनों को आपस में पकड़ें। सांस लें और छोड़ें।
जो जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर की तरफ से पीछे जाएगा, ये ध्यान रहे। सांस लें और छोड़ें, सांस लें और विश्राम दें। अब यही आसना मैं आपको पीछे से दिखा सकती हूँ, ऑपोजिट साइड से करेंगे। इस बार अपने दाएं पैर को नीचे रखेंगे और बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर रखेंगे। दोनों एरिया दोनों हिप की साइड में है। इस बार दोनों हाथों को उठाएं और बाएं हाथ को ऊपर से पीछे और दाएं हाथ को नीचे से पीछे और दोनों हाथ को आपस में पकड़ लें, हथेलियां आपस में पकड़ लें और कमर सीधी। लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 से 10 सेकंड तक हम इस आसना में रुकेंगे। सांस लेते हुए हाथों को छोड़ दें, सांस छोड़ते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं। ये आसना आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और आपकी रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ भी बनाता है। और जिसको साइटिका स्पाइनल नर्व्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या दर्द हो वो ये आसना ना करें। अब हम अगला आसना करेंगे, उष्ट्रासन, कैमल पोज। आराम से वज्रासन में बैठ जाएं, आपके दोनों हिप्स आपके दोनों एड़ियां पर हो और अपने घुटनों के बल आ जाएं। आपके घुटनों में आपके कंधों जितना गैप रहे ध्यान रहे और आपकी एड़ियां जमीन पर सीधी हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ से अपने दाएं एड़ी को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ मुड़े झुके जाएंगे और बाएं हाथ से अपने बाएं एड़ी को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ अपनी बॉडी को झुका देंगे। गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें, लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए आराम से वज्रासन में आकर बैठ जाएंगे। ये आसना जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या जिसको अपने रीढ़ की हड्डी में पीठ में कमर में दर्द हो, जिसको गर्दन में दर्द रहता हो, वो ये आसना ना करें। लेकिन जो लोग कब्ज से ग्रस्त हैं वो लोग ये आसना कर सकते हैं। ये आसना एब्डोमिनल मसल्स को अच्छा स्ट्रेच करता है और आपकी स्पाइन को लंबा भी बनाता है।